महिला पहलवान विनेश फोगाट अब हरियाणा से कांग्रेस विधायक हैं। खबरों में हैं विनेश सियासत में बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में रहने लगी हैं। इस बार विनेश ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहा कि वो तीसरी बार जहां से चुनाव लड़े अगर वहीं महिलाओं की ये स्थिति है तो देश की क्या स्थिति होगी, समझी जा सकती है। रोशनी जायसवाल के मामले पर विनेश फोगाट ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ अन्याय के मामलों को दबाने की कोशिश की है। यही नहीं, विनेश फोगाट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्मीद जताई कि भाजपा जिस बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश में लगी है आने वाले दिनों में उसे सजा जरूर मिलेगी। सुनिए विनेश की जुबानी की उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आज क्या खरी स्कोटी सुनाई है। देखिए, जब अगर जो क्षेत्र प्रधानमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ते हैं, एक बार नहीं उन्होंने तीसरी बार ये चुनाव लड़ा है, अगर उस क्षेत्र में भी अगर महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप देश की स्थिति समझ सकते हैं, महिलाओं की पोजीशन समझ सकते हैं और ये बहुत गलत है। और रोशनी जायसवाल के साथ में हम खड़े हैं, न्याय मिलने तक उसके साथ में खड़े रहेंगे। किसी भी तरीके का जो मेंटल हरासमेंट जो उनके साथ में भी किया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिये, हम वो लड़ाई को आखिर तक लड़ने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब पहली बार जब हम जंतर मंत्र में बैठे थे कितनी महिला खिलाड़ियां थी, उनको तोड़ के बिल्कुल 6 लड़कियों के ऊपर उस केस को सीमित कर दिया गया है, लेकिन आज भी वो केस कोर्ट में चल रहा है। एक महिला खिलाड़ी के जो पूरे बयान है वो कोर्ट में बहस हो चुकी है, 5 बाकी रह गए हैं और हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको बचाने का काम किया है आने वाले टाइम में उस आदमी को बृजभूषण को जरूर सजा मिलेगी। इस मामले में उसको हर तरीके से बदलने की कोशिश की जाती है, नैरेटिव चेंज किया जाता है, हम खिलाड़ियों के बीच में ऐसे कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है ताकि वो मुद्दे को भटका सकें, लेकिन ये जो मुद्दा है महिलाओं का इसको आप नहीं भटका सकते, उसको नहीं कमजोर कर सकते हो। आपको पहले भी वहम था, 2 साल तक आपने ये कोशिश करके देख ली है, लेकिन हम डट के खड़े हुए हैं। और जो हरियाणा में जो केस चल रहा है अभी, 7 लड़कियों ने FIR नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास में उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है कि उनके साथ में गलत हो रहा है और उस केस को भी दबाने की, जो मेरे तक नॉलेज पहुंची है, जो मैंने जितना कोशिश किया निकालने की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और महिलाओं को डराया जा रहा है नौकरी के नाम के ऊपर, ताकत के नाम के ऊपर, उस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो होता है हमेशा जो होता है, चाहे वो खिलाड़ी ओलंपिक के मेडलिस्ट रहे हो, चाहे कोई महिला कर्मचारी रही हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई महिला जो अपने घर में जो गृहस्थी का जो काम करती है, चाहे वो महिला, हर चीज को हमेशा दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों द्वारा किया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे। चाहे आप उठा के देख लो, 2 साल से जो मेरे पर बजरंग पर साक्षी पे जो ट्रोलिंग का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अगर वही काम अगर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे अगर करते तो देश में आधी से ज्यादा आबादी उस चीज पे खुश हो जाती।